Kratos, the Ghost of Sparta. दोस्तों आज मैं PSP एमुलेटर का सेटअप करके दिखाऊंगा। PSP एमुलेटर में एक गेम को कैसे ऐड करते हैं और PSP एमुलेटर की सेटिंग में एक ऐसे खतरनाक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जिस ऑप्शन को ऑन या ऑफ करने से आपके गेम प्ले के फ्रेम रेट या FPS कई गुना घट भी जाते हैं और कई गुना बढ़ भी जाते हैं, लगभग 10 गुना घट जाते हैं और 10 गुना बढ़ भी जाते हैं। साथ में मैं आपको एमुलेटर के जो कंट्रोल बटन होते हैं उनका सेटअप भी करके दिखाऊंगा। PSP एमुलेटर को इंस्टॉल करने के बाद आपको ZRGVR के डाउनलोड फोल्डर में जाना है। फिर PSP की गेम की जो आपने डाउनलोड की है वो फाइल आपको 7Z या ZIP फाइल में मिलेगी। उस फाइल को आपको या तो एक्सट्रैक्ट कर देना है या फिर उस फाइल के अंदर चले जाना है। फाइल के अंदर जाने पर आपको गेम की असली वाली फाइल मिलेगी। असली वाली फाइल ISO के नाम से होगी। फिर उस ISO फाइल को आपको कॉपी कर देना है और आपको जिस फोल्डर में रखना है उस फोल्डर में जाकर पेस्ट कर देना है। जैसे मैं इसको गेम ऑफ निंटेंडो स्विच के अंदर जाके सबसे ऊपर वाला फोल्डर डॉल्फिन PS2 फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए और साथ में आप बोर भी ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है। एक्सट्रैक्टिंग पूरी होने के बाद आपकी गेम की फाइल 7Z फाइल से बाहर आ जाएगी, जिससे वह वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने PSP एमुलेटर को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद एमुलेटर आपके स्टोरेज की मांग करता है, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके स्टोरेज के सारे फोल्डर यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपने अपनी गेम की फाइल यानी ISO फाइल को पेस्ट किया था या एक्सट्रैक्ट किया था। तो देखिए डॉल्फिन PS2 फोल्डर में हमारी गेम की फाइल दिख चुकी है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका गेम आसानी से रन करने लगेगा। अब आपको एमुलेटर की सेटिंग को चेंज करने के लिए बैक का बटन दबाना है। बटन दबाते ही एमुलेटर के ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। फिर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ग्राफिक के नीचे कंट्रोल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे वाली कॉलम में एडिट टच कंट्रोल लेआउट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी बटनों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप बटनों के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो और यहाँ से आप किसी भी बटन को पकड़ के उसे कहीं पर भी रख सकते हो। अब चलते हैं गेम की तरफ। बटनों को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद आप गेम को अच्छे तरीके से खेल पाते हो, जिसके बाद आप गेम में एक के बाद एक लेवल को पार करते जाते हो। ये देखिए गेम हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। शुरुआत में जो ये गेम की फिल्म है वो स्किप नहीं होती है, इसलिए मैं एक बटन को दबाऊंगा। इस बटन से गेम की जो स्पीड होती है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। अब जल्दी से जल्दी मैं आपको थोड़ा सा गेम पहले दिखाता हूँ। एक मिनट गेम को खेलने के बाद मैं आपको उस सेटिंग के बारे में बताऊँगा जिस सेटिंग से हमारे फ्रेम रेट एकदम डाउन हो जाता है, यानी कि जो हमारा गेम है वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। इतना ज़्यादा लैग होता है कि आप गेम की स्पीड को देख करके आप तुरंत डिलीट मार दोगे। पहले आप एक मिनट के लिए गॉड ऑफ वार का गेम पहले देखिए। इस गेम को पहले मैंने अपने स्रोत वाले एंड्रॉइड मोबाइल में खेला था, जिसका नाम था रेडमी फाइव। ये वाला मोबाइल उस टाइम पर मुझको 5000 रुपये में मिल गया था। इस मोबाइल में आपको 2GB की रैम और 16GB का स्टोरेज मिलता है और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 425 मिलता है। इस मोबाइल में यानी कि 2GB रैम वाले मोबाइल में PSP एमुलेटर के सारे गेम काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे थे। इस मोबाइल में मैंने PSP एमुलेटर की मदद से मेटल गियर सॉलिड स्पेस वॉलकर गेम को भी कई बार खेला है। इस गेम में आपको स्नाइपर एलीट 4 गेम के जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस गेम में आपको नए टाइप के और पुराने टाइप के हर टाइप के वेपन्स के अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे। इस गेम की एक खास बात यह भी है कि इस गेम में जितने भी मिशन हैं उन सभी मिशन के लास्ट में आपको बॉसेस से फाइट करने का मौका भी मिलेगा। अब मैं आपको उस सेटिंग के बारे में बता देता हूँ, जिसको अगर आपने गलती से भी उस पर क्लिक कर दिया तो आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग करेगा। इतना लैग करेगा कि आपको ऐसा लगेगा ये तो गेम चिपक जाए। जैसे कोई नया बंदा अपने गेम प्ले की क्वालिटी बढ़ाने के लिए वह ग्राफिक सेटिंग में जाकर सारे ऑप्शनों को छेड़ कर देखता है, सारे ऑप्शनों को चेक करके देखता है। अब नए बंदों को सभी ऑप्शनों की जानकारी तो होती नहीं है, तो वह गलती से उस ऑप्शन को ऑन कर देता है और जब वह गेम खेलने के लिए गेम के अंदर घुसता है तो उसका गेम प्ले एक झटके में बहुत ही ज़्यादा लैग के साथ चलता है। इतना ज़्यादा लैग होता है कि मान लीजिए कि 2-3 FPS मिल रहे गेम में, तो उस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए एक्सिट बटन पर क्लिक करके गेम से बाहर निकलना होगा। फिर आपको सेटिंग में जाना है। ग्राफिक्स वाली सेटिंग में ही तीसरे नंबर की जो लाइन है सॉफ्टवेयर एंट्रिंग और इस कोष्टक में लिखा हुआ है स्लो एक्यूरेट, इस ऑप्शन को ऑफ ही रखना है, डिफॉल्ट ही रखना है। डिफॉल्ट सेटिंग में ये ऑप्शन ऑफ ही रहता है। इसको ऑन करने से गेम प्ले में क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया। अब मैं बैक जाकर गेम को ओपन करता हूँ। अब आप देखिएगा कि गेम में कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी।
ये देखिए गेम बहुत ही थका हुआ चल रहा है, बहुत ही कम FPS पे ये गेम चल पा रहा है। एक मिशन को कंप्लीट करने में मिनटों की जगह घंटों में पूरा होगा, लगभग दो मिशन को पूरा करने में आपका पूरा दिन लग जाएगा। इसलिए हम बैक जाकर सेटिंग में जाकर उस ऑप्शन को ऑफ करेंगे, पर गेम को खेलते समय इस ऑप्शन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमको गेम से बाहर जाना होगा। लेकिन गेम से बाहर जाने से पहले हम गेम को सेव स्टेट पर लगा देते हैं ताकि हम गेम की इंट्रो वाली वीडियो से बच सके, क्योंकि इंट्रो वाली वीडियो में हमारा एक दो मिनट का समय बर्बाद हो जाएगा। तो अब हम बाहर जाकर एक्सिट टू मेनू पर क्लिक कर देते हैं। गेम से बाहर आकर सेटिंग में जाना है। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर रेंडरिंग नामक ऑप्शन की स्थिति को बदल भी सकते हैं। इस लो एक्यूरेट ऑप्शन को ऑफ करने के बाद सेटिंग से बाहर आकर गेम को ओपन करना है। ओपन होने के बाद हमको ये देखना है कि गेम प्ले में हमको लैग देखने को मिलता है या नहीं। गेम तो हमारा फिर से मक्खन की तरह चलने लगा है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गेम से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलते हैं हम। जय हिंद, वंदे मातरम।